गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे है बेटा? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। द टाइप एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द डिजाइन ऑफ द बुलेट टू बी यूज्ड इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट। यदि आपको बुलेट का डिजाइन चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और उसकी वैल्यू क्या क्या है? डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, राइट? डिस्क का मतलब है ए फिल्ड सर्कल, सर्कल का मीनिंग है अनफिल्ड सर्कल, और स्क्वायर का मीनिंग है ए फिल्ड स्क्वायर, राइट? एक प्रोग्राम आपकी बुक में दे रखा है, तो उस प्रोग्राम को समझेंगे और उस प्रोग्राम को रन करेंगे, राइट? बहुत ईजी प्रोग्राम है। HTML प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हेड हुआ, टाइटल आपको पता है, हेड भी आपको पता है, बॉडी भी आपको पता है। यहाँ पर क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर क्या है? टाइप। अनऑर्डर्ड तो एक टैग हो गया, टाइप उसका एट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पर डिस्क क्या है आपकी? उसकी वैल्यू है। क्या होगा? इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो देखेंगे बेटा, कुछ जो स्टूडेंट मैंने मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन आपको बताई थी, वो एप्लीकेशन इसलिए बताई थी कि कुछ स्टूडेंट के पास जैसे अवेलेबल नहीं है सिस्टम, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रन कर सकते हैं, उसके लॉजिक को थोड़ा सा समझ सकते हैं, राइट? नोटपैड, तो मैंने नोटपैड ओपन किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड लिखा एचटीएमएल, फिर मैंने लिखा यहाँ पर हेड, और आपको जैसा कि पता है मैंने लिखा टाइटल, मैंने लिखा यहाँ पर जो हमारा है एट्री Attributes of unordered list, of unordered unordered list. और टाइटल को क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिया, राइट? और हेड को भी क्लोज कर दिया। यही सारा हमारा काम होता है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटिंग ऑल द टैग हेड एंड टाइटल, नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग, राइट? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट ले रखा है, देखेंगे यूएल लिख दिया हमने अनऑर्डर लिस्ट, और इसका टाइप एट्रीब्यूट लिख दिया, और हमने कर दिया यहाँ पर डिस्क। डिस्क का मतलब है फिल्ड सर्कल, राइट? और फिल्ड सर्कल, और यहां पर लिखा मैंने एल आई, और एल आई के अंदर चाहे तो आप ये भी प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट? एल आई के अंदर कॉफी, टी, जो भी है लिखा है इसके अंदर, लेमनॉइड जो भी है आपका, वो आप लिख सकते हैं, राइट? आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, राइट? देन मैंने लिखा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, देन मैंने लिखा एल आई, मैंने लिखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? और इसको यूएल टैग को क्लोज कर दिए, देख सकते हैं यूएल टैग को क्लोज कर दिया। फिर अगेन यहां पर क्या लिखा उन्होंने, यूएल टैग, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, या तो बॉडी को क्लोज करो और एचटीएमएल को क्लोज करो और सेव कर दो। सेव एज के ऊपर, फाइल के ऊपर जाके सेव एज, या आप कंट्रोल प्लस एस भी प्रेस कर सकते हो फर्स्ट टाइम यदि आप काम कर रहे हैं तो। चलो आप ऐसा करो, यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सेव एज। और यहां पर आपको क्या कर रहा है, फाइल का नेम देता है। फाइल का नेम क्या हो गया आपका, कोई भी लिख दो आप, मैंने लिख दिया अनऑर्डर्ड, यूएल लिख दिया, डॉट एचटीएमएल जरूर लगाना है उसका एक्सटेंशन। मोबाइल में सेव कर रहे हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है,
अपने आप वो आउटपुट शो करते हो। ये आउटपुट हम चेक कर लेते हैं यहां पर। जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो चेक कर लेंगे आपकी, राइट। ये आउटपुट आ गई है आपकी, देखिए ये फील्ड सर्कल आ रहा है, फील्ड सर्कल। और इसके बाद मैं यहां पर अगेन यूएल टाइप करता हूं और यहां पर एक एट्रीब्यूट लिखता हूं यहां पर टाइप सर्कल, ठीक है। और यही चीज मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आउटपुट चेक कर ले इसकी, सर्कल सर्कल का क्या बेनिफिट हुआ या सर्कल का क्या अप्लाई होगा, इसका क्या अफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं। ये देखते हैं हमारी आउटपुट, ये देखेगी ये फिल्ड सर्कल और ये अनफिल्ड सर्कल, और लास्ट आएगा हमारे पास यूएल टैग के अंदर आएगा आपका टाइप, और टाइप क्या आएगा आपने स्क्वेयर स्क्वेयर। और फिर से हम क्या करते हैं यहां पर ये कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखेगी ये लिख दिया मैंने स्क्वेयर के नीचे, दोनों तीनों चीजें लिख दी है मैंने और इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। सेव कर दे इसको, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें या यहां पर ये सेव प्रेस करें और रिफ्रेश करके देख, ठीक। ये आ गया है आपका, क्या आ गया है आपका स्क्वेयर, राइट। तो ये देयर आर थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सॉरी देर आर वन एट्रीब्यूट ऑफ ए अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप एंड देर आर थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, राइट। तो ये हो जाएगा आपका टाइप एट्रीब्यूट का। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके एट्रीब्यूट के बारे में, राइट। इस प्रोग्राम को आप करके देखेंगे, परफॉर्म करेंगे, और आने वाले वीडियो के अंदर हम टेबल भी बनाएंगे, टेबल बनाना भी सीखेंगे, कैसे एस टेबल के अंदर टेबल बनती है। ओके, थैंक यू सो मच।